हेलो लर्नर्स वेलकम टू जन तो अगर आपने भी सी यू ई टी यू जी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए रजिस्ट्रेशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और अगर उसमें कहीं कोई आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है तो पच्चीस मई से इकतीस मई दो हजार बाईस के बीच में जो है आप करेक्शन कर सकते हैं इकतीस मई दो हजार बाईस को रात नौ बजे से पहले पहले आपको जो है करेक्शन करना होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किन किन पर्टिकुलर्स में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं और किसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पर देखिए इस सीरियल नंबर में ए जो है कैंडल कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज यानी कि ये चेंज नहीं कर सकते क्या क्या मोबाइल नंबर ई आईडी और एड्रेस परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस ये तीन चीजें जो है कैंडिडेट चेंज नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज वहीं पे बी देखिए कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड यानी कि कैंडिडेट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम फोटोग्राफ और सिग्नेचर इनमें से कोई एक चीज चेंज कर सकता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर ई आईडी एड्रेस ये चेंज कर ही नहीं सकता है कैंडिडेट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम फोटोग्राफ सिग्नेचर में से कोई एक चीज़ चेंज कर सकता है फिर सी सेक्शन देखिएगा कैंडिडेट शेल वी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स क्या क्या क्लास टेंथ एंड एक्यूवेलट डिटेल्स क्लास ट्वेल्थ एंड एक्यूवेलट डीटेल यानी कि जो क्लास टेन और ट्वेल्थ की जो भी आपने डिटेल्स फिल की होगी उसमें आप चेंज कर सकते हैं वहीं पर डी है कैंडिडेट सेल वी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रिफ्रेंस एंड मीडियम यानी कि जो भी आपने एग्जामिनेशन सेंटर या सिटी लोकेशन डाला है या फिर आपने कुछ भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम चूज किया है वो आप जो है चेंज कर सकते हो फिर ई e पॉइंट देखिएगा कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फेस यानी डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं क्लियर तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस इनमें चेंज नहीं कर सकते हो कैंडिडेट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम फोटोग्राफ सिग्नेचर इनमें चेंज आप किसी एक में कर सकते हो अगर कैंडिडेट ने चेंज कर दिया तो फादर मदर फोटोग्राफ सिग्नेचर में मौका नहीं मिलेगा यानी कि इनमें से कोई एक ही चेंज कर सकते हो उसके बाद आप क्लास टेंथ ट्वेल्थ को चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन से सेंटर में चेंजेस कर सकते हो मीडियम में चेंजेस कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी पी इनको भी आप चेंज कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलोंग विथ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड यानी कि आप जो है टेस्ट जो पेपर आपने चूज़ किए होंगे या फिर यूनिवर्सिटी जो चूज़ किया है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं इफ़ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल यानी कि अगर आप सपोज करिए कि आपने तीन टेस्ट पेपर चूज़ किए थे और करेक्शन में आपने फोर्थ पेपर भी चूज कर लिया तो जो भी एडिशनल फी होगा आपको वो पे करना पड़ेगा और करेक्शन जो फील्ड में आपने किए होंगे वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप फी पे कर दोगे यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा फी पेमेंट होता है तो अगर वो पहले फी पे करेंगे तभी आपका करेक्शन जो है फाइनली सबमिट होगा और एक बार आपने जो है करेक्शन वन टाइम ही अलाउड होगा उसके बाद ये आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा क्लियर तो हो आपको समझ में आ गया होगा कि किस में चेंजेस कर सकते हैं किस में चेंजेस नहीं कर सकते हैं मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये जो पांच चीजें हैं इनमें से किसी एक ही में चेंज कर सकते हैं फिर कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स यानी कि आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की डिटेल में सभी फील्ड्स में चेंज कर सकते हैं कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंस एंड मीडियम जो भी आपने प्रिफ्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फिर मीडियम चूज किया था उसमें चेंजेस कर सकते हैं कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स यानी डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी डी इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने जो टेस्ट पेपर है और यूनिवर्सिटी जो चूज किया है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं क्लियर यू ऑल कीप की